नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंटरनेट बैंकिंग से मोबाइल रिचार्ज या बिल पेमेंट कर दिखाऊंगा। मैं आपको यहां पर मोबाइल रिचार्ज करके दिखाने वाला हूं, इंटरनेट बैंकिंग से मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं। चलिए मैं HDFC बैंक का आपको दिखाने वाला हूं। आप कोई भी बैंक का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से। सबका इंटरनेट बैंकिंग एक जैसा ही होता है, सबका सेम प्रोसेस रहता है रिचार्ज करने का। तो चलिए मैं आप लोगों को रिचार्ज करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर चलिए इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन हो लेता हूं। तो मैं यहां पर HDFC इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर लेता हूं। गूगल पे सर्च कर लेते हैं हम HDFC इंटरनेट बैंकिंग, और यहां से हम अपना इंटरनेट बैंकिंग से जो है लॉगिन कर लेंगे अपना ID पासवर्ड डालकर। तो चलिए यहां पर कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग पर क्लिक करते हैं, और यहां पर हम अपना यूज़र ID डाल लेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहां पर मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूं। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए मेरा इंटरनेट बैंकिंग जो है मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है अपना अकाउंट को। अब यहाँ पे बिल पेमेंट और रिचार्ज का मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप HDFC बैंक यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बिल पे या फिर रिचार्ज पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज जो है आप लोगों के पास इस तरह का खुलकर आएगा। यहाँ पर देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर सकते हैं, DTH रिचार्ज, मोबाइल प्रीपेड पोस्टपेड, यहाँ पर बहुत सारा आपको जो है मिल जाता है। लेकिन मैं यहां पे आपको मोबाइल रिचार्ज करके दिखाने वाला हूं। तो ये रहा मेरा मोबाइल रिचार्ज, प्रीपेड पोस्टपेड, इस पर क्लिक करेंगे। प्रीपेड करना है कि पोस्टपेड करना है, तो अगर मोबाइल है आपका तो प्रीपेड रिचार्ज होगा। तो यहां पे मोबाइल नंबर डाल देंगे जिसमें आपको रिचार्ज करना है। चलिए मैं यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूं। उसके बाद यहां पे देखिए जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप ऑपरेटर किसका है वो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपको अमाउंट यहां पे कितना का रिचार्ज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे ब्राउज प्लान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको देखिए प्लान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कौन सा प्लान मुझे रिचार्ज करना, कोई भी एक मैं रिचार्ज करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आपको देखिए ये 11 रुपये सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है ये 800 MB मुझे डाटा मिलेगा, ये वाला रिचार्ज करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। और एग्जिस्टिंग प्लान पे मैंने एक्स्ट्रा जो है 12 GB का रिचार्ज पहले ही कर लिया है, तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे 11 रुपये का रिचार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। पेमेंट मेथड आप यहाँ पे अपना बैंक का चूज़ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप रिचार्ज पे क्लिक करेंगे। रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका रिचार्ज जो है यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ इसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका रिचार्ज कन्फर्मेशन यहाँ पे आपकी पेंडिंग आपको दिख रहा है, लेकिन ये कुछ ही सेकंड में जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। आपका पेड हो चुका है यहाँ पे अमाउंट, आप देखिए 11 रुपये आपका कट चुका है यहाँ पे आपका, और ये अभी पेंडिंग दिख रहा है, लेकिन ये जो है रिचार्ज हो जाएगा। मेरा रिचार्ज जो है हो चुका है, मुझे पता चल चुका है कि मेरा मोबाइल जो है रिचार्ज हो चुका है। तो आप यहाँ पे इस स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं ये स्लिप के तौर पर कि आपने जो है रिचार्ज किया है। जैसे यहाँ पे मैं इसे सेव करके रख लेता हूँ, ये रिचार्ज यहाँ पे पेंडिंग मुझे दिख रहा था लेकिन मेरा रिचार्ज हो चुका है। मेरे मोबाइल में मैसेज आ चुका है कि मेरा रिचार्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पेंडिंग दिख रहा था, तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो इसी तरह से आपको जो है इंटरनेट बैंकिंग से आप रिचार्ज कर सकते हैं या फिर बिल पेमेंट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो।